हॅलो फ्रेंड्स, मी वर्षा आपलं सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. तर ताजमहल बघून आल्यानंतर लगेच आम्ही आग्रा किल्ल्याच्या तिकडे आलो होतो आणि ती ही गर्दी जी आहे ती तिथलीच आहे. संपूर्ण माहिती दिलेली आहे यामध्ये, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. काय पाहिजे? गुदीबाल पाहिजे. गुदीबाल पाहिजे? तू गुड्डी दे, छोटीची गुड्डी गुड्डी गुड्डी. आणि आता पूर्ण ताजमहल वगैरे बघून झाल्यानंतर आम्ही इकडे आले किल्ल्यावरती. तर बघा, खूप छान वातावरण झालंय, पाऊस वगैरे पण पडून गेलेला आहे सगळ्यांकडून. हे बघा पूर्णपणे. तर चला इथे फोटो वगैरे काढतो अगोदर इकडच्या साईडने छान, आणि त्याच्यानंतर वरती मग पहली बार 11 साल में बना है, सिर्फ ताजमहल 22 साल में बना है, क्योंकि शाहजहां ने दोनों ही बिल्डिंग बन रही, लेकिन आगरा फोर्ट 95 ईयर्स में बना है. आगरा फोर्ट चार मुगल बादशाह ने बनवाया, अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब. 1565 में अकबर ने स्टार्ट किया था, 1660 में औरंगजेब ने कम्प्लीट, और ताजमहल 1631 में शुरू हुआ, 1653 में कम्प्लीट. देख रही आप लोगों ने ताजमहल समझरा. तो आगरा फोर्ट का जो एंट्री गेट है एक है ये वाला, और ताजमहल में तीन थे, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ. शाहजहां की बेगम थी तीन, इसलिए तीनों की मेमोरी में एक गेट अलग अलग बनाया है. अगर यहाँ ज़्यादा गेट बनाते हैं तो दुश्मन एक ही अंदर घुस सकता है, इसलिए एक एंट्री गेट है ये वाला. ठीक है, पूरा किला जो बना है ना 94 एकड़ में, ताजमहल 17 एकड़, ताजमहल से 5.5 गुना बड़ा है. लेकिन किला क्या है, दो पार्ट में बटा हुआ है. शुरू से मुगल टाइम में जब मुगल फैमिली रहती थी तो 25% में उनके पैलेस वगैरह बनाए गए, 75% में आर्मी, मतलब मुगल सैनिक. बाद में किले को अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया. उनके टाइम में जो मुगल टाइम के पैलेस वाला एरिया, उनके मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर वगैरह रहते थे, और आर्मी वाले हिस्से में आर्मी. अब अपना इंडियन टाइम में तो इंडियन आर्मी भी है जी. आर्मी का गेट बैक साइड में आधा किलोमीटर दूर है. ठीक है, 75% आर्मी का है, 25% आर्मी में भी सेम जगह का आता था. यहाँ पर किला जो मोस्टली होता है ना, जो प्लेन एरिया में होता है फ्लैट, उनके बाहर एक खाई बनी होती है, खंडक जिसको बोलते हैं हम लोग, पानी वाला. पानी के अंदर मगरमच्छ भरे जाते थे ताकि दुश्मन अंदर एंट्री ना करे. पहाड़ में जो किले होते हैं वहाँ खंडक बनाना पॉसिबल नहीं होता. तो ये जो किला है आगरा किला, यहाँ दो खंडक बनी है, एक पानी वाली बाहर से दिखती है और एक जंगल वाली वो अंदर इस दीवार की वजह से नहीं दिखती है. तो दीवार एक छोटी बिस्ती है, ये क्यों बनाई थी, दुश्मन एक खाई को देख पाते थे, दीवार की वजह से दूसरी खाई दिखती नहीं थी, तो इसमें गिर जाते थे. उसके बाद 70 फीट की दीवारें हैं. तो आप लोगों को समझ आ रहा है पूरा, मैं देख रहा हूँ. बाकी एक्सप्लेन मैं आपको अंदर पहले भी पहले जैसे ही रोको रहूँगा. लेकिन ये पूरा जो एरिया है वेलकम कैसे होता था, वेलकम कैसे होता था कि जैसे आर्च बना है, यहाँ देखो आप, ये देखो आर्च देखो राइट में, ऐसे लेफ्ट में भी है. उर्दू में बोलते बस जा रहा हूँ मैं करके, उर्दू में बोलते हैं नौबतखाना. नौबतखाना मतलब होता है ड्रम साल. जब फाइट वगैरह जीत के आते थे तो उनका वेलकम करते थे नगाड़े बजाकर. और ये बीच में बालकनी बनी है ना, ये म्यूजिक गैलरी होती थी. और ये वाला मेन गेट है, और बीच वाला जो बंद कर दिए मेन होती थी, फ्लावर फॉल डाउन करती थी, सबको एंट्री करते. तो वहाँ से आपको ये अभी आप लोग ये ब्रिक्स देख रहे हैं, ये सब ओरिजिनल है. आपको ऐसा लगेगा नया कैंपस बनाया, ऐसा नहीं है, ये प्लास्टर बाद में. ये ब्रिक्स ओरिजिनल है, इसको बोलते हैं लक्सोरी. जैसे कि ताजमहल है, फोर्ट है, फतेहपुर सीकरी है, सारी बिल्डिंग्स को अंदर से ईंटों से ही बनाई जाती थी.
मार्बल और लाल मार्बल ऊपर से लगा दिया फिनिशिंग के लिए, मतलब ताजमहल के अंदर से ईटों की ऊपर मार्बल, ठीक है ना। तो आगरा फोर्ट जैसे मैं आपको बता रहा था, राइट साइड में मुगल पैलेस से देख रहे हैं, लेफ्ट में आर्मी है। बाहर से कोई भी दुश्मन बचकर यहाँ तक आता था तो यहाँ के मुगल सैनिक होते थे ना, ताली बजाते थे। पहले के टाइम में क्या है, पूरा रेस्ट खाली होता था, ताली की आवाज़ की दीवारों की तरफ ज़्यादा है, इस वजह से ऊपर से ऊपर देखिए एक होती थी, तो ऊपर से सोल्जर होते थे, ताली की आवाज़ सुनकर अलर्ट हो जाते थे। और ये नालियाँ होंगी दीवारों में दोनों तरफ गर्म तेल फेंकते, गर्म तेल फेंकने से क्या होता है, पूरा रेस्ट ऑयली और दुश्मन स्लिप होकर गिर जाएगा जी। उसके बाद वहाँ जो राइट वाला गेट है ना, वहाँ से गोल गोल पत्थर के रोलर रोकाते हैं, दुश्मनों को दबा कर वहाँ से तो दिस वाला होती है, ठीक है ना। ये सिक्योरिटी पॉइंट बता रहा हूँ, देखो अटैक किसी का हुआ नहीं। औरंगजेब जब यहाँ से कैपिटल छोड़ के चले गए दिल्ली, तो यहाँ फर्स्ट अटैक जो किया था वो जाटों ने किया था। भरतपुर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, फतेहपुर सिकरी से आगे मराठों ने तो बात नहीं किया थोड़ा सा, क्योंकि वो दूर थे। कैप्चर कुछ टाइम के लिए किया था, लेकिन ब्रिटिश भी आ गए थे उस टाइम, इन्फ्लुएंस नहीं। आमच्यासोबत एक गाईड घेतलेला आहेत आम्ही, म्हणजे कसं तिकडचं जास्त माहिती नाही लाल किल्ल्याचं इतिहासामध्ये, किल्ल्याची माहिती प्लस इतर जी माहिती होती म्हणजे राजाची किंवा आक्रमण वगैरे किंवा कोणतं ठिकाण कशासाठी खास बनवलेलं आहे, कोणत्या वस्तू कशासाठी बनवलेल्या आहेत, त्या सगळ्या गोष्टी ते सांगतायत, त्याच्यामुळे आपल्याला पण कळत आहे आणि बघायला आणखी जास्त उत्साह पण येतो आहे। त्याच्यामुळे पण मी शूटिंग करूनच घेते की ते जे माहिती सांगतायत ते सुद्धा तुम्हाला सुद्धा कळेल बघा पूर्ण। आता किल्ल्याचे 3-4 दरवाजे जे आहेत मेन खालचे, ते सगळे चढून वरच्या साईडला आले बघा, हे पूर्णपणे जो आहे एरिया वरच्या साईडचा आहे। आता इथली पण जी काय माहिती आहे ते सांगतच आहेत, म्हणजे आम्हाला जसं जसं पुढे घेऊन जात आहे तसं त्यांची मेन जी माहिती असेल। थांब जहांगीर का महल होता था, एंट्री हम लोग यहाँ से करेंगे ना, अंदर में जितने भी महल है घूम कर वहाँ से बाहर आएंगे। वो ग्रास वाला एरिया है ना, वो पूरा आर्मी का हाँ जी। तो जहांगीर जो थे ना, उनके फादर अकबर थे, अकबर के पास भी 3 पत्नियाँ थी, जोधाबाई, मरियम, करती हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, क्योंकि वो सब धर्म को इक्वल मानता था, इंटरफेरिंग नहीं करता, ठीक है। तो जोधाबाई जो थी वो जयपुर से थी, जयपुर के राजा मानसिंह जोधाबाई के भाई थे, जहांगीर के मां थे। ये जो है ना बड़ा सा कब, ये जहांगीर का बात कब है, हिंदी में इस्लाम को इसको राजा मानसिंह ने गिफ्ट किया था, लेकिन जब गिफ्ट किया था ये बाहर खुले में नहीं होता था, ये मार्गोटी लगा ये दीवार जो है अकबर का। लेकिन 1707 में जब औरंगजेब मर गया, उसके मरने के 57 साल बाद 1764 में भरतपुर के राजा ने अटैक करके अकबर पैलेस को तोड़ दिया था। अकबर पैलेस को तोड़ा और ये बाट का बंगला था होता था, उसको लगा कि पूरा गोल्ड का है, तो वहाँ से निकाल के ले जाने लगा। लेकिन निकालने टाइम क्या हुआ, गोल्ड की जो लेयर थी वो निकल गई, बाट का भी यहीं रह गया। तो इसको ASI ने इतने अच्छे से मेंटेन कर दिया है, लेकिन लोग क्या करते थे, सीढ़ियों पे चढ़ते थे, सीढ़ियाँ टूट गई है, अभी भी देखो बाहर भी 3 है अंदर भी 3 है। जब अकबर महल में था ना, आधा जमीन ही आता बाहर, जैसे गांधी जी होता था बच्चों के बराबर भोज वाटर के नाता था। लेकिन बैठक की बात बहुत पता है क्या, राजस्थान में जगह जैसा वहाँ बड़े बड़े पीले पहाड़ होते हैं, उसका नाम होता है जैसपत, तो एक ही पहाड़ को काट के ये बैठक को बनाया 3,000 किलो कहीं से भी जानते हैं, दुनिया भी इतनी फिक्स है और पर्शियन लैंग्वेज इसको बोलते हैं जहांगीर का महल। और काय दिसतंय, काय दिसतंय, रीजन अच्छा तो बहुत सारे होते थे, लाल पत्थर क्यों यूज करते थे पहले के टाइम में, नदी साफ सुथरी थी, ट्रीज बहुत ज़्यादा थे, हमारा पॉपुलेशन कम था, पॉल्यूशन कम था, तो गर्मी का टेम्परेचर 28-30 लाख अब तो 48 तक चले जाता है, तो गर्मी कम होती थी, तो ये जो पत्थर है ना बिल्डिंग को अंदर से उठा रखता है। दूसरी बात,
पहले हाथों से काम करते थे, मशीन नहीं होती थी, ये इतना सॉफ्ट होता है पानी में डिप करके निकालने से इजीली पूरा काम हो जाता था, सारा हैंड नहीं। और ये पैलेस राजस्थानी स्टाइल में बना हुआ है, कारीगर राजा मानसिंह ने जयपुर से भेजे। क्यों? क्योंकि जहांगीर के पास दो बेगम थी, हिंदू और मुस्लिम, मुस्लिम नूरजहां उनका महल आगे था, हिंदू मान भाई ज्योताबाई की भतीजी वो यहाँ रहती थी, इसलिए राजस्थानी स्टाइल में पैलेस बना। तो लाल पत्थर यूज करने का रीजन ये था, मार्बल यूज करने का रीजन शाहजहां लाइक करता था, मार्बल भी सॉफ्ट होता है, उसमें गैपिंग आसानी से हो जाती है, स्टोन फिक्स हो जाता है। ये जो हॉल है ना जहाँ पर हम खड़े रंग महल बोलते हैं, जैसे अम्ब्रेला टाइप बना है, वन टू थ्री फोर टॉप पर आ जाओ। और ये खिड़कियाँ बनी हुई स्मॉल थ्री विंडो, और जो ये बिग आर्चेस बने ना बड़े 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 बड़े, यहाँ वी आई पी उसमें गेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी गार्ड जेंट्स अलाउड नहीं थे, क्योंकि अकबर के टाइम पर उन्हें यहाँ जितनी भी लेडीज होती थी लाइक की इनकी फ्रेंड है, सर्वेंट्स है, एंड इनलीगल वाइफ, इनलीगल वाइफ हरम, उनके साथ में सिक्योरिटी गार्ड ट्रांसजेंडर होते थे, जेंट्स अलाउड नहीं थे। तो ये पूरा डांसिंग हॉल था, उसके लिए क्या होता था, ये राइट साइड में आ सकता हूँ आगे इतना समझते हैं, नगाड़ा बजाना, म्यूजिक बजाना, शहनाई बजाना, सिंगिंग। लेफ्ट में मान भाई का बेडरूम था, बेडरूम में वो लोग अभी जैसे मूवीज में दिखा देते हैं कि बेड होता है, तो उस टाइम कारपेट लगाते थे मोटी मोटी, पर्शिया से मंगाते कारपेट के ऊपर देते थे, और बाहर बांस की लकड़ी की चिप्स लगाते थे फर्श पे, उसमें क्या गैप हो जाता है गर्मी में हवा का, सर्दी में पूरा बैठ। लेकिन ये सामने ना ये दरवाजे में लॉक कर दिया, एक वहाँ भी है उसे भी लॉक कर दिया है, ये दरवाजे जो है रूम के पीछे ना ऐसे वो है गैलरी, रूम पतली थी गैलरी, अभी बंद है बैक फ्लोर होते हैं चमकागढ़, लेकिन गैलरी बनाने का रीजन ये था, मान लिया जब छोटी थी उनको सुबह जल्दी उठना होता था ना, तो घड़ी और फोन नहीं होते थे, ताकि लोग पैरों में डेंगू पहन के उस गेट से एंट्री करते, तो वॉकिंग करते टाइम पीछे खिड़कियाँ बनी है वो देखिए आपको, उसमें से विंडो की आवाज़ पास होती थी, एक तरीके से अलार्म था उस टाइम। मुगलों ने दो मंदिर बनवाए, फतेहपुर सीकरी में राधा कृष्ण का अकबर ने, जहांगीर ने यहाँ मान लिया, लेकिन यहाँ पर ये जो टेम्पल था ना इसमें एम्प्टी 39 विंडो थे, जो अपने अलग अलग हिस्ट्री के रिश्ता होते हैं उनके स्पेशल होते हैं, लेकिन औरंगजेब ने खाली कर दिया। अपने हिंदू में जगह छोड़ते अगर ऐसे तीन जगह छोड़ेंगे तो पैरों में उसमें तुलसी का पौधा होता था, जल जब तुलसी के पौधे में चढ़ाती थी तो घंटे में कैप किया हुआ है, वो तुलसी का जो पानी होता था जल रिवर में जाता था। बाप रे, सामने रिवर है, ताजमहल है, दोनों खाई है, हर जगह पब्लिक ही पब्लिक है, जहाँ से जगह मिले देख लो। हाँ खरत की ताज बोले तुम कितनी बार दिसतो है हाँ दिसले क्या होगा कि तुम का बोले यार ये कुंड है गाइड सोबत आरू असा गप्पा मारताना काय गप्पा मारतोय रे तू काय गप्पा मारतोय मानबाई नेचुरल डेड शाहजहां की भी नेचुरल हुई जेल में कैद कर दी जहांगीर की नेचुरल हुई और अकबर की नेचुरल हुई। गर्मी के टाइम में कूलर पंखे नहीं होते थे, सर्दी में रूम हीटर नहीं होते थे, तो ऊपर ये राउंड है ना गोल, पहले के टाइम में पानी भरने के लिए बर्तन होते थे, लेदर बैग टांग के रखते थे, मशक भित्ती बोलते थे, नदी का पानी ठंडा होता था, पानी को लाकर टैंक में भरते थे, टैंक का पानी दीवारों में आता था क्योंकि दीवारों में तो दीवारों में पानी भरने के बाद पर्दे खोल दिए जाते थे, चारों साइड से हवा दीवार करना छोड़ती थी, रूम होटल विंटर में बड़े गर्म बन गए थे, पानी सामने आएगा पर भी बंद कर दी हवा पास एक रूम गर्म, लेकिन ये रूम जो है लाइटिंग रूम है, लेकिन
वाला समझा के शेर पालते थे, छोटी फिटकी वॉल आउटर है। अगर आप बाहर खड़े हो जाएंगे तो आपको ड्राइवर नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं कोर्ट, दरबार, दीवाने आम, हिंदी में बोलेंगे लोकसभा और दीवाने काम को बोलते हैं राज्यसभा। ये अरबी और हिंदी मिलाकर उर्दू लैंग्वेज, तो ये उर्दू नाम है दीवाने आम दीवाने खास। अगर जहांगीर शाहजहाँ औरंगजेब अपने अपने टाइम में, लेकिन अकबर के टाइम में पूरा लाल बना हुआ था, ये शाहजहाँ मार्बल लाइट करने के लिए बालकनी को मार्बल से पेंट कर दिया, बाकी ये पूरा जो दीवाने आम है ये रेड बन गया, ये देख रहे कपड़े निकल रही है वहाँ से, बाकी ये वाइट काम बाद में किया ये शाही ने। और ये राजाओं की वाइफ की मीटिंग होती थी मंत्री के साथ, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, किंग्स है, और अदर सिटी में से कोई राजा आ रहा है स्टेट में से, तो उनकी मीटिंग भी दीवाने खास में होती थी। तो औरंगजेब टाइम में शिवाजी महाराज एक पावरफुल राजा दिखते थे, क्योंकि मुगल के जो काफ़ी सारे किले थे और ये मराठा आर्मियों ने जीत लिए थे, कब्जा कर लिया था, मराठा आर्मियों ने जीत लिया कब्जा कर लिया था, तो औरंगजेब दिन पर दिन डरने लगा था, तो वो चाहता था शिवाजी महाराज को अपने अंडर में रख के अपना काम निकलवाना। तो उसने मीटिंग के लिए शिवाजी महाराज को बुलाया, लेकिन बुलाना चाहिए था दीवाने खास से, लेकिन जानबूझकर इंसल्ट करने के लिए दीवाने ने बुलाया अपराधी के द्वारा। शिवाजी महाराज खुद में कितने बड़े राजा थे, अगर उनको कोई अपमान फील होगा तो वो तो उनको तो बुरा लगे, गुस्सा आएगा, या ऊपर से दूसरे लाइन में खड़ा किया। हाँ, शिवाजी महाराज हिंदू में एक ही पहले ऐसे राजा थे जिससे औरंगजेब डरता था, क्योंकि उनसे पहले कोई ऐसा राजा नहीं था, ठीक है ना। तो उनको अपमानित करने के लिए जानबूझ के बना दिया इतनी दूर, जिससे उनको लगे इंसल्ट फील हो, क्योंकि शिवाजी महाराज तो खुद में एक पावरफुल राजा थे, वो क्यों किसी के लिए काम करेंगे। अब जब उनको इंसल्ट फील होगी तो वो कुछ ना कुछ गलत तो बोलेंगे ही बोलेंगे। और ये दरबार औरंगजेब का था, पूरा गढ़ उसका था, औरंगजेब वहाँ बैठे राजा की तरह, शिवाजी महाराज को अपराधी की तरह खड़ा किया। तो जब शिवाजी महाराज ने गुस्सा आया, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जिससे औरंगजेब को मौका मिला उनको कैद करने का, लेकिन शिवाजी महाराज को कैद जो किया था ना, यहाँ पर नहीं रखा, यहाँ से 5 किलोमीटर आगे एक जगह है, ब्रिटिश टाइम में कॉलेज बनाया पेंजम साहबी, वहाँ उनकी एक जेल बनाई गई थी। शिवाजी महाराज को भी नज़र कैद किया था शाहजहाँ की तरह, वही से भागे जी, लेकिन शिवाजी आपको शायद देखो हर कोई दुख में अलग स्त्री मिलती है, शिवाजी महाराज खुद अपनी मर्जी से नहीं भाग सकते क्योंकि उनको कुछ नहीं पता था। रोशन आरा हमेशा अपने भाई का सपोर्ट करती थी औरंगजेब का, क्योंकि रोशन आरा का जन्म से मुमताज मर गई शाहजहाँ लक्की मानता था, जहाँ आरा अपने फादर का सपोर्ट करती थी। जब शाहजहाँ राजा शाहजहाँ ने सूबेदार बनाया था, अपनी चारों बेटों को अलग अलग बनाया था, औरंगजेब गुजरात का था, तो औरंग और दारशे को यहाँ का था, मेन पावर में ये था आगरा, तो औरंगजेब चाहता था यहाँ का राजा बनना। तो उसके दो भाई थे मुराद और सुजा, उसने और रोशन आरा ने हेल्प की राजा बनने के लिए, अपने भाई को बड़े भाई को मरवा दिया, लेकिन औरंगजेब इतना चालू था अपने दो भाइयों को और मरवा दिया, बात रोशन आरा सपोर्ट करती थी। सामने कुआं बना हुआ है, पहले औरंगजेब ने पानी रोक दिया रिवर का, खाना बनता था मुगल सैनिकों के लिए, तो रोशन आरा ने पूरे कुएं में जहर मिलवाया ताकि दाराशु को भी मर जाए और पूरे सोल्जर्स मर जाए। तो जहां आरा उनसे बहुत नफरत करती थी, जहां आरा ने शिवाजी महाराज की बहुत हेल्प की निकल गई, उनकी हेल्प से ही वो मेन जहां आरा, क्योंकि जहां आरा बहुत खूबसूरत लेडी थी और पूरे इस किले में उसकी चलती थी। जहां आरा एक ऐसी लेडी थी जितनी भी हरम लेडी आती थी ना, जो सबसे नीचे की लेडी होती थी, उनकी सैलरी भी उस टाइम में इतनी होती थी कि एक महीने की सैलरी से 4 तोला सोना खरीद पाते थे, मतलब आज के टाइम में 2.5 लाख रुपए। किसी की मदद के सिवा तो यहाँ से निकल नहीं सकते। उसके बाद और लेडीज होती थी, उसके बाद कुछ हेड होती थी हरम में, उसके बाद जहां आरा मैं हेड थी, जहां आरा की सैलरी इतनी थी कि वो हर रोज 1 तोला सोना खरीदते। तो जहां आरा पूरे हरम में सबसे नंबर वन लेडी होती थी हेड, और वो इतनी खूबसूरत थी बहुत ज़्यादा, और वो शाहजहाँ की बेटी थी, तो उसने पूरी हेल्प की, बिना हेल्प के पॉसिबल नहीं। 96 डेज के थे, 96 दिन, 3 महीने 6 दिन।
तो अब ये फोर्ट हो गया पूरा कम्प्लीट। तो समोरून दाखवते शेवटी सगळ्या छोटीची माहिती घेतलेली होती ती। मागून 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 तर पूर्णपणे मोबाईल मध्ये सुद्धा याला किती वेळ लागतोय। तर हे पूर्णपणे बघा समोरून हे असं, तर हे एकदम असं मागच्या साईडने बघा बाहेरून असं दिसतंय दिवाने आम। तर ही होती थोडक्यात आग्रा किल्ल्याविषयी माहिती। तर संपूर्ण माहिती एवढ्या व्हिडिओमध्ये तर शक्य नाही, पण जेवढी महत्त्वाची होती आणि जमेल तेवढं मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न केलेलाच आहे। ते शूट करून प्रत्येक महत्त्वाचं ठिकाण म्हणा किंवा त्या ठिकाणाविषयी गाईडने दिलेली स्पेशली जी माहिती ते तुमच्यापर्यंत मी नक्कीच पोहोचवलेली आहे अशी आशा करते। बाकी किल्ला ताजमहल खूप सुंदर आहे, जसं ते आश्चर्य आहे तसंच ते खरोखर आश्चर्य आहे। तुम्हीसुद्धा नक्की भेट द्या आणि ताजमहलला गेल्यानंतर या ठिकाणी सुद्धा नक्की जावा, कारण की हा किल्ला सुद्धा खरंच खूप बघण्यासारखा आहे। तर मथुरा वृंदावन आणि ताजमहलचा व्हिडिओ सुद्धा अपलोडेड आहे, ते सुद्धा बघा। नंतर भेटूयात, बाय।